रेफरेंडम 2020 के खिलाफ शिवसेना हिंद राष्ट्रीय कोर कमेटी चेयरमैन रवि शर्मा की ओर से रेफरेंडम के खिलाफ भगवान जोश से मार्च निकाला गया, जिसके अगुवाई करते हुए रवि शर्मा ने बताया कि शिवसेना हिंद आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ती आ रही है। इस कड़ी के तहत के राष्ट्र कट्टरपंथी निजी स्वार्थ के चलते पंजाब में रेफरेंडम 2020 की ड्रामा करना चाहते हैं। शिवसेना हिंद उसी के विरोध करते हुए आज यह कार्यक्रम डलहौजी रोड से शुरू होकर बाजार से होते हुए लाइट वाले चौक पर समाप्त हुआ, जहां पर रेफरेंडम के अफवाहों का मुर्दाबाद कर उनका पुतला जलाया गया, जिसमें पठानकोट एवं गुरदासपुर से एक बड़ा काफिला रवि शर्मा ने नेतृत्व में जाएगा है। यहां पर रेफरेंडम का विरोध होगा। आगे अपील करते हुए रवि शर्मा एवं मंगा ने संयुक्त रूप से कहा कि रेफरेंडम में उद्देश्य पंजाब को 1984 के काले दौर के तरफ लेकर जाना है, जो किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1984 के उस दौर में पंजाब में बहुत ही संताप उठाए गए। कोई भी बात बुद्धि विजी उपारों द्वारा उठाने की बात नहीं करता। यह कुछ कट्टरपंथी और अपने स्वार्थ के लिए पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। गास किया गया क्योंकि कुछ शरारती अते लोभी कट्टरपंथियों वालों पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी के तहत शिवसेना हिंद उस कट्टरपंथियों के खिलाफ हमेशा ही वचनबद्ध है और किसी भी सूरत पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देंगे। इस कारण अज शिवसेना हिंद वालों एक भगवा मार जरा और निजी कारण शुरू होकर लाइटा वाले चौंक समाप्त होया। इतने असी उन्होंने कट्टरपंथियों के हकों का पुतला फूकया और एक संदेश दिता उन्होंने कि अपनी हरकतों तो बाज आओ, नहीं तो शिवसेना हिंद जब तक रेफरेंडम 2020 का नाग पूरी तरह कुचल नहीं जाता पूरे पंजाब इसी तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। इसी कड़ी के तहत 5 तरीक न मोगा विखे एक धर्म संसद कराई जा रही है, जिसे पठानकोट और गुरदासपुर चो एक व्डा इकट्ठ जरा वह मोगे जाएगा और लोगों को जागृत करेगा कि रेफरेंडम 2020 जरा वो पंजाब लिए कितना घातक है। जय हिंद जय भारत। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस